आज हम बनाने वाले हैं बाजरे के आटे से शक्कर पारे। हम इन्हें कुकीज़ भी बोल सकते हैं, बाजरे की चिक्की भी बोल सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और क्रंची होते हैं और बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं दाशी और अपनी सिंपल रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाजरे के आटे से बने हुए शक्कर पारे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी गुड़ लेंगे। हमें एक कटोरी ले लेनी है, उसी के नाप से हर चीज़ लेनी है। कोई भी एक बर्तन लेंगे और उसको गैस के ऊपर रख देंगे। वो गुड़ हमें बर्तन में डाल देना है और सेम कटोरी हमें भरकर पानी डालना है। यानी एक कटोरी गुड़ और एक कटोरी पानी लेना है। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और गुड़ का हमें सिरप बनाना है, चाशनी नहीं बनानी है। तो सिरप बनकर तैयार हो चुका है। अब हम उसी कटोरी से 4 कटोरी बाजरे का आटा डालेंगे। मैंने 4 कटोरी बाजरे का आटा डाल दिया है और आधा कटोरी हम तेल डालेंगे। हमारा सिरप भी ठंडा हो चुका है, तो हमें गुनगुना सिरप ही रखना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। उसी से हमें अपना आटा लगाना है। आटा हमें हाथों से बहुत अच्छे से मल मल कर लगाना है, यानी कि हमारा डो जो है बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है। अब हम पूरी से भी छोटा एक पेड़ा लेंगे और उसको हथेलियों के बीच में घुमाते हुए इस तरह से प्रेस कर देंगे और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं। इसी तरह से हम ये शक्कर पारे बनाकर तैयार कर लेंगे। सर्दियों में शक्कर पारे अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। सर्दियों में बाजरा खाना बहुत हेल्दी होता है। अगर आप रोटी नहीं खाते हैं तो शक्कर पारे ज़रूर बनाकर खाएं। वैसे तो ये शक्कर पारे पुराने समय से ही टिक्की के रूप में बनाते हुए आए हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग शेप में इनको बनाते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। अगर आपके पास कटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम एक कोई भी कटोरी लेंगे, उसे इस तरह से रोटी के ऊपर रख देंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसको एक तरफ कर देंगे। और कितनी अच्छी देखिए शेप निकल आई है। और इसको हम किसी कटर से या चाकू से शेप में देकर काट देंगे। यहाँ पर मैंने इसको ट्राइंगल शेप दिया है, आप स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, ट्राइंगल भी शेप दे सकते हैं और गोल शेप में भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे आटे का शक्कर पारे बनाकर तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल डाल देंगे। तेल का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। और जो भी हमने शक्कर पारे बनाए थे वो सभी शक्कर पारे हम तेल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। हाई पर ये जल जाएंगे, इनमें कड़वापन आ जाएगा, टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। हमारे शक्कर पारे अच्छे से तल गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इनको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। बच्चों को अक्सर बाजरे की रोटी पसंद नहीं आती है, तो आप सर्दियों के मौसम में इस तरह से बाजरे की कुकी, शक्कर पारे या चिक्की आप बोल सकते हैं, आप ये बनाकर खिलाइए, आपके बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। इसी तरह से हम अपने ट्रायंगल शेप वाले शक्कर पारे भी तल लेंगे। शक्कर पारे हल्के होकर तेल में ऊपर तैरने लगे हैं, हमने इनको नहीं छेड़ा है। अब हम इनको पलट देंगे। शक्कर पारे सर्दियों के मौसम में खाना बहुत अच्छा होता है, तो आप ज़रूर इस तरह से शक्कर पारे बनाइए। आप इस तरह से बाजरे के, मक्की के शक्कर पारे बनाकर हफ्तों के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो। आप इन्हें चाय के साथ भी खा सकते हो, सफ़र में भी लेके जा सकते हो। ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, बहुत ही कम सामान में और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में, बहुत ही करकरारे बने हैं। देखिए एकदम खस्ता बने हैं, बहुत आसानी से टूट गए हैं। मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसी नाप से बनाते हैं तो आपके शक्कर पारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।